हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं मूवी इन्फेर्नो के बारे में। दोस्तों, ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी एंड डैन ब्राउन की जो नेक्स्ट नॉवेल थी इन्फेर्नो नाम की, उसी के ऊपर आधारित है। मूवी में दिखाया ज़ोब्रिस नाम का एक बिलियनर होता है और उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग आज के वक्त में धरती पर 8 बिलियन लोग है और आने वाले 40 सालों में यही तादाद 32 मिलियन तक होने वाली है और उसके बाद इंसानों को इस धरती पे जीना काफी डिफिकल्ट होगा। उन्हें खाने पीने और बेसिक चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ना होगा और फिर कुछ ही समय में इंसान धरती से विलुप्त होगा। अगर इंसानों को बचाना है तो धरती का यही पॉपुलेशन आधा करना होगा और उसी के लिए अगर मास किलिंग यानी इस बड़े तादाद में लोगों को मारना भी पड़े तो भी ये बलिदान देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कुछ अजीब विचार ज़ोब्रिस्ट के होते हैं। वेल, आगे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। इस मूवी का लोकेशन फ्लोरेंस इटली होता है। दोस्तों, नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं ज़ोब्रिस्ट पुलिस से भाग रहा होता है और एक बड़े से टावर के ऊपर वो पहुंच जाता है। डेड एंड होने के कारण वहीं पे रुक जाता है और पुलिस भी वहां आ जाती है और उसे कन्फ्रंट करते हैं और किसी बहुत बड़े खतरनाक और इम्पोर्टेंट चीज का लोकेशन उससे पूछ रहे होते हैं, लेकिन ज़ोब्रिस्ट वो लोकेशन नहीं बताता। इंस्टेड वो उस टावर से कूद के अपनी जान दे देता है। आगे हम देखते हैं प्रोफेसर रॉबर्ट को जो एक हॉस्पिटल में रहते हैं। उनके सर पे काफी गहरी चोट आई होती है और रॉबर्ट को काफी डिस्टर्बिंग विजन्स आ रहे होते हैं जिसमें कोई लोग तड़प रहे हैं, कोई लोग जल रहे हैं, किसी का सर उल्टा है और इन्हीं में किसी लोगों ने प्लेग मास्क पहना हुआ है। ये सारी चीजें उन्हें अजीब लगती है और वो बेहोशी की हालत से उठ जाते हैं। तब वो खुद को इटली फ्लोरेंस में पाते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि वो वहाँ पे कैसे आए हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर सिएना ब्रूक आ जाती है। वो रॉबर्ट की बहुत बड़ी फैन होती है। आगे वो रॉबर्ट को बताती है कि उसके सर के बाजू से ही गोली गुजरी थी और इसी के कारण उसके सर पे चोट आई है। अगर गोली थोड़ी सी भी इधर हो जाती तो शायद प्रोफेसर मर जाते और इसी जख्म के कारण उन्हें रेट्रोगेट एमनीशिया हुआ है जिसके कारण उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है और उन्हें पिछले कुछ दिनों की कोई भी बात याद नहीं है। जब ये चेकअप डॉक्टर सिएना कर ही रही होती है तभी वहाँ पे वेंथा नाम की असैसिनेट आती है और वो हॉस्पिटल के स्टाफ को शूट करने लगती है। ये देख सिएना प्रोफेसर रॉबर्ट की मदद करती है और दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन असैसिन उनका पीछा करती है। यहाँ पे वे लोग टैक्सी में बैठ कर भागते हैं, लेकिन प्रोफेसर रॉबर्ट की अभी भी हालत खराब होती है और उन्हें वही भयानक विजन्स आ रहे होते हैं जहाँ पे एक लड़की अपना फेस छुपाए हुए है स्कार्फ से और आसपास की पूरे बिल्डिंग से खून की बाढ़ आ रही है। पूरा शहर नरक की आग में जल रहा है और ऐसे अजीब से विजन्स में ही वो बेहोश हो जाते हैं। बाद में सिएना उन्हें अपने घर लेके आती है। वो होश में आने के बाद उन्हें कई सारे वो सवाल पूछती है, लेकिन रॉबर्ट को कुछ भी याद नहीं होता। फिर सिएना यूएस काउंसिलेट में कॉल करने जाती है, लेकिन रॉबर्ट उसे मना कर देता है। प्रोफेसर सिएना को कॉफी लाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वो सिएना के लैपटॉप में उसके मेल्स चेक करता है और तभी उसे एग्नेसिया से मेल आया होता है। एग्नेसिया ने ये कहा होता है कि वो अभी सेफ है, लेकिन उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं और जो चीज इन दोनों ने मिल के चुराई थी वो उसने सेफ रखी है पैराडाइज 25 के यहाँ पे। रॉबर्ट को इस मैसेज का मीनिंग कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसे एक इमेज दिखती है और वो होती है एग्नेसियो की। वो साइड में सियाना के अपार्टमेंट में खड़ा होता है और तभी एक सांप आके उसे मार देता है। प्रोफेसर काफी डर जाते हैं, लेकिन दूसरे पर उन्हें रियलाइज होता है कि ये उनका हेलुसिनेशन है और अब तक जो भी विजन्स वो उनके सामने आ रहे हैं वो सारे वो हेलुसिनेट कर रहे होते हैं। आगे रॉबर्ट फ्रेश होने जाता है और सियाना उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े पहनने देती है। रॉबर्ट को अपने पुराने कोट में फेराडे पॉइंटर यानी बायो ट्यूब मिलती है। ये ट्यूब डेंजरस सब्सटेंस ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। उसके ऊपर जो निशान रहता है वो WHO का रहता है, यानी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। सिएना ही रॉबर्ट के पास देख के डर जाती है। रॉबर्ट इस ट्यूब को खोलने जाता है, इसीलिए इन दोनों में पहले बहस होती है, लेकिन बाद में दोनों फिर ये फेराडे पॉइंटर ओपन करने का डिसाइड करते हैं। जब पॉइंटर ओपन करते हैं तब उसमें डांटे का हेल डायग्राम होता है। दोस्तों, डांटे अल्घेरी एक इटालियन राइटर था और उसने नरक कैसा है और उसके कितने स्टेजेस है उसके बारे में बहुत बड़ी रिसर्च की होती है और बुक पब्लिश की होती है। ये वर्ल्ड में काफी फेमस होता है। सो इस फेराडे पॉइंटर में भी डांटे का जो हेल का डायग्राम होता है वो उन्हें दिखता है। ये दोनों भी उस मैप को पढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट को यही सपना आ रहा होता है कि नरक में कैसे सजा दी जाती है, लेकिन इस पेंटिंग में कुछ लेटर्स होते हैं और उसपे ज़ोब्रिस्ट का नाम लिखा होता है। ये नाम सिएना या रॉबर्ट ने पहले कभी नहीं सुना होता, इसीलिए ज़ोब्रिस्ट कौन है ये जानने के लिए वे लोग नेट पे सर्च करते हैं और उन्हें ज़ोब्रिस्ट की वो थ्योरी पता
चलती है कि वो कैसे वर्ल्ड का पॉपुलेशन आधा खत्म करना चाहता है, और उन्हें ये भी पता चलता है कि 3 दिन पहले ही उसने अपनी जान दे दी थी। जब वे लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं तब जॉक्रिस ने एक और रेफरेंस दिया होता है कि 13वें दशक में कैसे प्लेग ने दुनिया की आधी पॉपुलेशन को तबाह कर दी थी। इससे सिएना और रॉबर्ट को पता चल जाता है कि जॉक्रिस कुछ खतरनाक प्लान कर रहा था और कोई वायरस का रिलेशन हो सकता है जो ये दुनिया में एक्सपोज करना चाहता है। उसके बाद रॉबर्ट खुद US काउंसिलेट में बातचीत करता है। वे लोग रॉबर्ट का लोकेशन पूछते हैं, लेकिन वो जानबूझ के कोई गलत लोकेशन बताता है और वो अपने विंडो से देखता है कि उस लोकेशन पे कौन आता है। और दोस्तों वहाँ पे आती है वही असैसिन वियंता। दूसरी जगह हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल कमांड यूनिट में लोग रॉबर्ट का रियल लोकेशन ढूंढ निकालते हैं क्योंकि उसने ईमेल एक्सेस किया होता है, और ये सारे लोग उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ सिएना उस असैसिन को देखती है और तभी उसे नीचे पुलिस और WHO के लोग भी ब्लैक वैन में दिख जाते हैं। इसीलिए वो रॉबर्ट को लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वियंता उन्हें पीछे से रास्ते भागते हुए देख लेती है और वो उनका पीछा करती है। लेकिन तभी सिएना अपने कार्ड से एक कार रेंट करती है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ WHO के कई सारे ऑफिसर वहाँ पे आए हुए होते हैं और उनकी बॉस एलिजाबेथ उनके ऊपर काफी नाराज होती है क्योंकि रॉबर्ट उनके हाथ से छूट गया है और उसके साथ साथ फेराडे पॉइंटर भी। मानो इस फेराडे पॉइंटर में ही वो वायरस का लोकेशन दिया होता है। वे दोनों जब कार से भाग रहे होते हैं तब पेंटिंग पे जो वर्ड था सेल्सा ट्रोवा, उसका इटालियन मीनिंग होता है सिक एंड फाइन। यहाँ कार में सिएना इन सारे हादसे से काफी परेशान होती है और वो प्रोफेसर पे आरोप लगाती है कि शायद वो भी जॉब्रिस का फॉलोअर है और उसका काम कर रहा है ताकि वो भी वायरस यानी प्लेग को दुनिया में फैला सके। लेकिन प्रोफेसर इस बात से इनकार कर देते हैं और वो आगे कहते हैं, मैं जॉब्रिस को पहले कभी भी मिला नहीं हूँ। आगे वियंता अपने बॉस से बात करती है और फिर ये आदमी उसके बॉस के पास जाता है और वो होता है हैरी सिम्स, और ये रोल प्ले किया है इरफान खान ने। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है द कॉसर्टीम। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है और अलग अलग बिलियनर्स के लिए उनका पर्सनल काम करती थी जो मानो दुनिया के सामने इलीगल है। इनका ऑफिस बड़े से क्रूज पे होता है और गवर्नमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो वियंता का मैसेज हैरी को बताता है और कहता है कि अभी इस ऑपरेशन में WHO और इंटरनेशनल पुलिस भी शामिल हो गई है। हैरी को समझ नहीं आता कि इतने छोटे ऑपरेशन के लिए WHO का क्या काम है। सो दोस्तों यहाँ पे जॉब्रिस इस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइंट था और जॉब्रिस ने इनके पास एक वीडियो दिया होता है जो एक पर्टिकुलर डेट के बाद पूरी दुनिया में रिलीज करने का काम हैरी के इस ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। हैरी वो वीडियो की टेप लाने के लिए अपने कलीग को बोलता है। यहाँ दूसरी जगह पे प्रोफेसर और सिएना सीक एंड फाउंड के क्लू के अकॉर्डिंग एक म्यूजियम के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी पुलिस ऑलरेडी आई हुई होती है। फिर वे दोनों दीवार से जंप मार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस के जो ड्रोन्स रहते हैं वो इन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। आगे जाने के बाद एक सीक्रेट डोर से वे लोग अंदर चले जाते हैं। वियंता को भी हैरी के ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिलती है कि उसे रॉबर्ट को किसी भी तरह पकड़ के उसे मार डालना है और उसके पास जो फेरेरे ट्यूब है वो हासिल करनी है। इसीलिए वो भी म्यूजियम के रास्ते निकल जाती है। वे लोग पलाजो वेसियो की पेंटिंग द बैटल ऑफ मार्चियानो की पेंटिंग देखने जाते हैं। दोस्तों इस पेंटिंग में भी सिमिलर राइटिंग्स ये लोग देखते हैं। जब इस बड़े से हॉल में रॉबर्ट इस पेंटिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है तब उसे वापस वही विजन्स दिखने लगते हैं और वो हैलुसिनेट करने लगता है, लेकिन इस बार का दौरा काफी स्ट्रांग रहता है। उसे उसके नेक पे काफी दर्द महसूस होता है, मानो उसे किसी ने इंजेक्शन दिया हो। वो सिएना से पूछता है कि क्या उसने उसे कोई इंजेक्शन दिया है, लेकिन वो मना कर देती है। और फिर थोड़े होश में आने के बाद वो कहता है कि पिछले 2 से 3 दिन में कभी तो मैं टैक्सी में बैठा था और शायद किसी ने मेरे नेक के यहाँ पे इंजेक्शन दिया है, और वो इंजेक्शन और कोई नहीं बल्कि वायरस का कैरियर ही होगा, यानी मेरे अंदर वो शायद वायरस है, यानी इसी के अंदर उन फॉलोअर्स ने वायरस इंजेक्ट किया होगा और उसी का असर इसे हैलुसिनेशन या कुछ बुरा असर उसके ऊपर हो रहा है। लेकिन सिएना कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर वायरस होता तो अब तक मैं और यहाँ के सारे लोग मर जाते। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ एक हैलुसिनेशन है, वो वायरस तुम्हारे अंदर नहीं है। ये बातचीत चल ही रही होती है तभी वहाँ पे रॉबर्ट की दोस्त मार्था आती है जो कि म्यूजियम की स्टाफ मेंबर होती है। वो रॉबर्ट को देख के चौंक जाती है और बोलती है कि तुम वापस इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए। रॉबर्ट को उसके बारे में कुछ याद नहीं आता, लेकिन रॉबर्ट उससे स्मार्टली पूछता है कि मैं जब लास्ट टाइम यहाँ आया था तो मैं क्या देख रहा था, किस बारे में मेरी रिसर्च चल रही। तो मार्था उसे कहती है कि वो पिछले रात को कई घंटों तक डांटे का डेथ मास्क देख रहा था, और फिर वो उसी जगह दोनों को लेके जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जब वो जाती है तब डेथ मास्क वहाँ से चोरी हो गया होता है।
ये सब लोग मिलकर रिकॉर्डिंग देखने लग जाते हैं पिछले रात की, और तब पता चल्ता है ये मास्क किसी और ने नहीं बल्कि रॉबर्ट ने ही चुराया होता है। तब तक बाहर की पुलिस को खबर मिल जाती है कि रॉबर्ट अंदर है और वे सब लोग अंदर आने के लिए निकलते हैं। सिएना और रॉबर्ट मार्था को एक जगह पे लॉक कर देते हैं और वहाँ दूसरे रास्ते से वे लोग मार्था का आईडी लेके रूम से बाहर पड़ते हैं। पुलिस ने ये म्यूजियम अंदर से लॉक कर दिया होता है और सारे लोगों को वेरिफिकेशन के बाद ही बाहर छोड़ रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेसर को इस हिस्टोरिकल म्यूजियम के सारे सीक्रेट और पता होते हैं। सिएना अब तक ये सब कुछ देख के परेशान हुई होती है। ये देख रॉबर्ट उसे जाने के लिए कहता है और अब तक के उसके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन सिएना जाने से इनकार करती है और कहती है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है जहाँ पे आधी जनता पूरी दुनिया की मर सकती है, तो मैं इस ऑपरेशन को ऐसे ही आधे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मुझे बस इतना कंफर्म करना है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है और तुम वायरस को रिलीज नहीं करना चाहते। ये सुनकर रॉबर्ट उसे कंफर्म करता है कि वो सही साइड पे है। फिर दोनों मिलके ऊपर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। वियंता भी इसी म्यूजियम में आई होती है और उसे ऊपर की तरफ कुछ आवाज सुनाई देता है, इसीलिए वो भी छत के यहाँ पे जाने के लिए निकलती है। प्रोफेसर और सिएना छत के द्वारा दूसरे साइड पे जाने के लिए निकलती है, लेकिन तब भी वहाँ पे वियंता भी आ जाती है और वो प्रोफेसर से पॉइंटर मांगती है, लेकिन प्रोफेसर नहीं देते और एक जगह पे छुप जाते हैं। वियंता प्रोफेसर को मारने वाली होती है, लेकिन तभी सिएना उसे मारती है जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है और ये पूरी लकड़ी का जो लेयर होता है उसे तोड़ के नीचे जमीन पे बड़े से ग्राउंड में गिर जाती है जहाँ पे सारी पुलिस और लोग रहते हैं। इस टूटे हुए बीच के छत के कारण पुलिस को सिएना और रॉबर्ट दिख जाते हैं और सब पुलिस उसी डायरेक्शन में जाने के लिए निकलते हैं। प्रोफेसर और सिएना छत के दूसरे तरफ आ जाते हैं और वहाँ से एक सीक्रेट बैकडोर रहता है जो एक ओपन रास्ते के यहाँ पे खुलता है, वहाँ से ये दोनों भाग के निकल जाते हैं। यहाँ हैरी रीबर्थ नाम का चौब्रिस्ट का वो वीडियो देखता है। इस वीडियो में लाल कलर का पानी होता है और उस पानी में एक प्लास्टिक के बैग में कुछ अजीब सी चीज होती है और फिर उसके बाद चौब्रिस्ट आके कहता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पिछले दिन प्लेग वायरस मैंने पूरी दुनिया में फैला दिया है जिसके कारण अब 6 दिन तक इस पूरी दुनिया के लोग मरते रहेंगे और इसके कारण पृथ्वी की जो पॉपुलेशन है वो सीधी हाफ हो जाएगी। यानी वो मास किलिंग के लिए प्लेग ये वायरस फैलाना चाहता था, लेकिन वो वायरस कहाँ पे छुपाया है इसका लोकेशन किसी को नहीं होता। ये वीडियो की रिलीज करने की डेट होती है अगले दिन की, मतलब आज रात को ही वो वायरस रिलीज होने वाला होता है, ये हैरी को पता चल जाता है। ये सब कुछ देख के हैरी परेशान हो जाता है और उसे समझ आता है कि ये काम जो वो कंटिन्यू कर रहा है वो गलत है और फिर वो गवर्नमेंट के साथ या WHO के साथ इस वायरस को रोकने का फैसला करता है। यहाँ पे रॉबर्ट को याद आता है कि उसका जो ईमेल रहता है उसमें पैराडाइज 25 ये लिखा होता है। उस सिएना को पूछने पे पता चलता है वैसा एक लोकेशन होता है, एक उसी नाम की जगह होती है। वे लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें एजेंट बाउचर्ड भी फॉलो करने लगता है। लेकिन अजीब बात ये रहती है कि बाउचर्ड अपना जो वॉकी टॉकी का फोन रहता है वो भी फेंक देता है और इन लोगों को फॉलो करने लगता है। ये लोग पैराडाइज 25 में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पे पानी के नीचे डांटे का जो डेड मास्क रहता है वो मिल जाता है और उसके पीछे एक सीक्रेट मैसेज लिखा होता है, वो वायरस कहाँ छुपाया हुआ है उसके बारे में ये उन्हें पता चल जाता है। वो मैसेज ये लोग पढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एजेंट बाउचर्ड वहाँ पे आ जाता है और वो बताता है कि वो WHO का ऑफिसर है, लेकिन प्रोफेसर उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं उनके कमजोर याददाश्त के कारण। तब वो प्रोफेसर को पूछता है कि तुम्हें लास्ट बात क्या याद आ रही है, तब वो कहता है कि मैं एक औरत के साथ यही कहीं पे था और उसके बाद मुझे इंजेक्शन दिया गया। तो बाउचर्ड कहता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ है, यानी WHO की हेड। ये सुनते ही प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं क्योंकि एलिजाबेथ को प्रोफेसर काफी पहले से जानते थे, इनफैक्ट एलिजाबेथ उनके कॉलेज में ही होती है। बाउचर्ड आगे कहता है कि उसे शक है कि एलिजाबेथ फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है और उसे इस वायरस को ढूंढ के सेल करना है ताकि वो खुद का प्रॉफिट कर सके, लेकिन इस बात से प्रोफेसर सहमत नहीं होते। लेकिन इस बहस को ये लोग इधर ही रखते हैं और वो पूछता है कि वायरस के लिए तुम्हारे पास कोई लीड है क्या, हमें किसी भी तरह आज रात को जो वायरस फैलने वाला है उसे बचाना है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इस मैसेज के अकॉर्डिंग शायद वीनस में वो वायरस छुपा हुआ है। ये जानने के बाद बाउचर उन्हें बोलता है कि हम तीनों भी वीनस जाएंगे ट्रेन से, लेकिन तभी वो 2 टिकट बुक करता है जिनेवा की प्रोफेसर और सिएना के नाम, ताकि सारे पुलिस को लगे कि वो लोग जिनेवा जा रहे हैं। ये तीनों ट्रेन से वीनस जाने के लिए निकलते हैं और उसी में एजेंट उन्हें बताता है कि 3 दिन पहले जोब्रिस ने सुसाइड किया था और उसके पॉकेट से उसे फराडे पॉइंटर मिला था। ये फराडे पॉइंटर जोब्रिस के फॉलोअर्स के लिए था ताकि वे लोग इस पहेली को सॉल्व करें और वो जो वायरस
है वो आज रात मिडनाइट को रिलीज करे। और यही पहेली सुलझाने के लिए WHO के लोग रॉबर्ट के पास जाते हैं। वो एजेंट कहता है कि मैं ही आपके पास आया था कैम्ब्रिज, और मैंने आपकी ये हेल्प मांगी और आपको यहाँ पे मैं लेके आया था। लेकिन तभी रॉबर्ट का हेडेक वापस बढ़ने लगता है, उन्हें कई सारे विजन आने लगते हैं, और उसी में उन्हें याद आता है कि दरअसल उनको मिलने के लिए ये एजेंट नहीं बल्कि खुद एलिजाबेथ आई थी, और एलिजाबेथ ने ही सारी चीजें रॉबर्ट को बताई थी और वो उसे यहाँ पे लेके आती है। ये चीज रॉबर्ट को याद आ जाती है और इसीलिए रॉबर्ट बेहोश होने का नाटक करता है। एजेंट उसके लिए जब पानी लेने जाता है तभी सारी सच्चाई वो सियाना को बता देता है। फिर दोनों कैसे तैसे उस एजेंट को फंसा के एक स्टेशन पे उतर जाते हैं। उस जगह पे एलिजाबेथ जिनेवा की फ्लाइट पे आती है, लेकिन तभी वहाँ पे हैरी आके उसे बता देता है कि वे लोग इस फ्लाइट में नहीं है। हैरी अपना और अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देता है और वो जॉबरिस्ट का वीडियो उसे दिखाता है और सारी हकीकत वो बता देता है कि उन्होंने ये पॉइंटर चुराना चाहा। पहले तो एलिजाबेथ काफी आर्ग्यूमेंट करती है, लेकिन बाद में ये सारी हकीकत समझने के बाद ये दोनों मिलकर उस वायरस को बचाने का फैसला करते हैं। डियाना और रॉबर्ट क्लू के अकॉर्डिंग वीनस में उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वहां के लोकलाइट को उस जगह के बारे में पूछते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो जगह वीनस नहीं है बल्कि जहां पे वायरस छुपाया है वो है इस्तांबुल। ये सुनने के बाद दोनों भी काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उनके पास काफी कम समय बचा हुआ होता है। लेकिन तभी ये दोनों सामने से एजेंट बॉर्चर्ट को आते हुए देख लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए वे लोग म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पे डेड एंड होता है। दूसरे साइड से एजेंट बॉर्चर्ट यहां पे आ ही रहा होता है। सियाना उस डेड एंड के खिड़की के यहां पे चढ़ जाती है और बाहर के किसी को पैसे देके वो खिड़की का जो ग्रिल होता है वो खोलने के लिए बोलती है और खुद खिड़की के बाहर आ जाती है। और जब प्रोफेसर उस खिड़की से बाहर आने वाले होते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर को वहीं पे लॉक कर देती है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देती है। और वो बताती है कि वो जोब्रिस्ट की गर्लफ्रेंड थी। वो प्रोफेसर के साथ इसीलिए आई क्योंकि जोब्रिस्ट ने वायरस एग्जैक्टली कहाँ छुपाया हुआ है उसका लोकेशन उसे चाहिए होता है, क्योंकि उसने डायरेक्टली उसे लोकेशन नहीं दिया होता है। इनफैक्ट उसने अपने फॉलोवर्स और सियाना के लिए कुछ क्लू छोड़े हुए होते हैं, लेकिन वो क्लू इतने ज्यादा हिस्टोरिकल होते हैं उसके लिए उसे किसी की मदद लेनी पड़ती है, और वो होते हैं प्रोफेसर रॉबर्ट। जोब्रिस्ट ने खुद को अगर कुछ हो गया तो उसके फॉलोवर्स इस वायरस को रिलीज करे, इसीलिए ये सारे क्लू रखे होते हैं। और वहां से वो भाग जाती है। प्रोफेसर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजेंट बॉर्चर वहां पे आ जाता है और वो प्रोफेसर को मार के एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है। वो रॉबर्ट से उस वायरस का लोकेशन ही पूछ रहा होता है और तभी पता चलता है कि एजेंट रॉबर्ट को ये वायरस किसी और को बेचना नहीं होता, इनफैक्ट रिलीज करना होता है, और वो भी जोब्रिस्ट का ही फॉलोवर होता है। ये सारी बातें जब वो रॉबर्ट को बता रहा होता है तभी पीछे से कोई आने की आहट होती है। वो और कोई नहीं बल्कि हैरी होता है और वो पीछे से एजेंट को मार देता है। हैरी को देख के प्रोफेसर रॉबर्ट खुद डर जाते हैं, लेकिन फिर वो अपना इंट्रोडक्शन रॉबर्ट को देता है और फिर रॉबर्ट के साथ अभी तक जो अजीब चीजें हो रही थी उसका एक्सप्लेनेशन देता है। वो कहने लगता है जब जोब्रिस्ट ने सुसाइड किया था तब उनके पास यानी हैरी के ऑर्गेनाइजेशन के पास सियाना आई थी। सियाना इनको अप्रोच करती है और कहती है जो जोब्रिस्ट था वो बायोलॉजिकल जेनेटिक्स का काम करता था और उसका कुछ सामान उसे ढूंढना है और वो सामान ढूंढने में रॉबर्ट उनकी मदद करेगा, लेकिन वो सामान और कोई नहीं बल्कि प्लेग वायरस है। इसके बारे में हैरी को या उसके ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी कुछ पता नहीं था। वो काम पूरा करना है इसीलिए वे लोग सियाना की मदद करते हैं। जब रॉबर्ट एलिजाबेथ के साथ होता है तब उसे वेंता किडनैप करती है और एक टैक्सी में जबरदस्ती लेके जाती है। हमारे सर पे कभी चोट आई ही नहीं थी या कोई भी बंदूक का निशान नहीं था, इनफैक्ट हमने सिर्फ एक निशान बनाया था और तुम्हें एक इंजेक्शन दिया था जिसके कारण तुम हैलुसिनेट करने लगे थे। जब तुम्हें किडनैप किया था और टैक्सी में बिठाया था उसके बाद तुम्हारे नेक पे इंजेक्शन दिया था, हमने तुम्हारे माइंड में एक आर्टिफिशियल विजन्स भर दिए थे और इसी के कारण तुम्हें हेल या नरक वाली सारी चीजें याद आ रही थी। जो औरत थी स्कार्फ पहने हुए वो और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ थी, क्योंकि उसी की याद लास्ट रहती है। उन विजन्स के कारण तुम्हें पजल सॉल्व करने में मदद मिलती। वो आगे बताता है कि मूवी के स्टार्ट में जो हादसा हुआ था हॉस्पिटल में वो सारा एक सेटअप था। वेंता जब आती है और हॉस्पिटल के स्टाफ को गोली मारती है वो असल में वहाँ पे ब्लड पैच हमने ऐसे ही डाल दिए थे और वो आदमी मरा नहीं था। टैक्सी ड्राइवर सीएनआई ये सारे हमारे ही लोग थे। ये सारी आर्टिफिशियल रियलिटी हमने तुम्हारे दिमाग में इन्फ्यूज की ताकि तुम्हें फरारी पॉइंट ट्यूब में क्या है और क्या पजल है, वायरस कहाँ है उसके बारे में पता चले। फिर प्लान के अकॉर्डिंग सियाना उसे अपने घर लेके जाती है और इनोसेंट बनने का नाटक करती है और वो भी रॉबर्ट के साथ वायरस ढूंढने लग जाती है। लेकिन जब तुम्हारे पीछे
पुलिस और WHO के लोग पड़े थे तब हमने तुम्हें मार डाल के वो ट्यूब हासिल करना चाहा, इसीलिए वियंता तुम्हें मारने वाली थी। लेकिन फिर तभी हमें जॉबरिस्ट के असली ऑपरेशन का पता चला, यानी वो प्लेग वायरस पूरी दुनिया में फैलाने वाला है ये पता चला। इसीलिए फिर हम ये सारी सच्चाई WHO के पास लेके गए और हम दोनों मिलके अब उस वायरस को बचाना चाहते हैं। ये सारी वो हकीकत उसे बता देता है और तभी वहाँ पे एलिजाबेथ भी आ जाती है। दोनों रीयूनाइट होके काफी खुश हो जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ असल में रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड थी और दोनों अपने करियर की वजह से अलग हुए थे। दूसरी जगह पे सिएना इस्तांबुल में पहुंच जाती है। यहाँ पे जॉबरिस्ट का एक दोस्त होता है, वो उससे मिलती है। वो भी जॉबरिस्ट का ही फॉलोवर होता है और उसे उसके प्लान के बारे में पता होता है। आगे वो अपने एक आदमी को लेके आता है और बताता है कि जहाँ पे प्लेग वायरस रखा है उसके आसपास पानी में हमें दो बम फेंकने हैं जिसका रिमोट कंट्रोल इस मोबाइल में है। जैसे ही रिमोट कंट्रोल में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम ट्रिगर करेंगे तो वहाँ पे वो ब्लास्ट होगा और जिसके कारण वो प्लास्टिक फटेगा और वायरस फैल जाएगा। यहाँ पे एलिजाबेथ, WHO की टीम और हैरी अपने प्राइवेट जेट से इस्तांबुल में पहुंच जाते हैं और क्रू के अकॉर्डिंग वे लोग एनरिको डांडोलो के मैकबेरी के यहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे वे लोग कुछ लोगों से पूछते कि कोई पानी वाली जगह जो अंडरग्राउंड हो वैसे ही कोई जगह है जहाँ पे बड़े तादाद में लोग भी होंगे। तो वहाँ का जो लोकलाइट होता है वो उन्हें एंशियंट सुएज सिस्टम के यहाँ पे लेके जाता है, लेकिन आज के जमाने में वो लाइन पूरी तरीके से क्लोज होती है। लेकिन समहाउ इस एरिया में काफी क्राउड होता है, हद से भी ज्यादा। एलिजाबेथ ये चीज उनसे पूछती है, तभी पता चलता है कि यहाँ पे एक म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है जो कि वर्ल्ड में काफी फेमस है। उन्हें पता चल जाता है कि वायरस यही पे आसपास है। एलिजाबेथ ऑर्डर देती है और वहाँ के सारे लोकल नेटवर्क जो होते हैं वो ब्लॉक करा देती है, यानी मोबाइल पे अभी कोई कॉल या मैसेजेस नहीं आएगा। और वे लोग बेसिलिका सिस्टर्न जाते हैं, वहीं पे म्यूजिक का वो प्रोग्राम चल रहा होता है। वहाँ पे हम देखते हैं ये एक अंडरग्राउंड काफी ब्यूटीफुल जगह होती है जहाँ पे रेड कलर का पानी होता है और उसी में अलग अलग म्यूजिशियन अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हर जगह पुलिस फैल जाती है। WHO के लोग जो रहते हैं वो वायरस का जो प्रोटेक्टिंग सूट होता है वो पहन के वायरस को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये जगह काफी बड़ी होती है, इसीलिए काफी वक्त तक ढूंढने के बाद एलिजाबेथ को फाइनली वो वायरस का बैग दिख जाता है। उसके साइड में रीबर्थ ये लिखा होता है। तो दूसरी जगह पे हैरी सिएना और उसके उन दो साथियों को देखता है और उनमें से एक को वो मार डालता है और दूसरे को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सिएना आके हैरी को मार देती है और हैरी वहीं पे मर जाता है। सिएना एक बम पानी के अंदर डाल के वहां से भाग रही होती है क्योंकि उसे दूर जाके बम ट्रिगर करना था, लेकिन रॉबर्ट उसे देखता है और उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। दूसरी जगह पे एलिजाबेथ और उसकी टीम उस प्लास्टिक के बैग को केयरफुली लेते हैं और एक बड़े से कंटेनर में ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिएना पानी में बम फोड़ देती है और इसके कारण बहुत बड़ा धमाका हो जाता है उस जगह पे। लेकिन थैंकफुली वो वायरस ऑलरेडी एक कंटेनर में लॉक होता है, लेकिन कंटेनर के अंदर जो पैक होती है वो फट जाती है और वो सारा वायरस कंटेनर के अंदर फैल जाता है। यहाँ पे एलिजाबेथ वो कंटेनर अपने कलीग के पास सेफली लेके जाने के लिए दे ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जॉबरिस्ट का एक फॉलोवर आता है और वो एलिजाबेथ को मारने लग जाता है और वो कंटेनर का जो चार्जिंग होता है वो अनलॉक कर देता है। एलिजाबेथ के स्ट्रिक्टली ऑर्डर रहते हैं कि इस बॉक्स के आसपास कोई भी गोली नहीं चलाएगा, इसीलिए कोई भी उस फॉलोवर को शूट नहीं करता। लेकिन तभी रॉबर्ट वहाँ पे आ जाता है और वो उसे अलग जगह पे लेके जाके मारता है और फिर पुलिस उस फॉलोअर के ऊपर गोली चला के उसे मार डालती है और ये बॉक्स वापस एलिजाबेथ के हाथ में आ जाता है और वो सेफली उसकी चार्जिंग ऑन करती है जिसके कारण वो फुल्ली लॉक्ड हो जाता है। उस वायरस को वे लोग जिनेवा WHO के हेडक्वार्टर लेके जाएंगे। यहाँ पे एलिजाबेथ और रॉबर्ट रिलैक्स बैठे रहते हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली हैंडल किया होता है और दोनों अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वापस एलिजाबेथ को अपने काम की वजह से जाना पड़ता है, लेकिन जाते जाते वो रॉबर्ट की मिकी माउस की वो घड़ी उसे वापस देती है जब वो किडनैप हुआ था तब रास्ते में गिरी थी। अगले दिन सुबह प्रोफेसर वापस इटली आ जाते हैं और वो उसी म्यूजियम में जाते हैं और जो डांटे का डेथ मास्क रहता है वो वहीं पे अपनी पुरानी जगह पे रख देते हैं। वहाँ के गार्ड्स को बोलते हैं कि जो मास्क है उसकी लाइट ऑन नहीं है, प्लीज ऑन कर दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि हमने बंद रखी है वो लाइट क्योंकि मास्क दो दिन पहले ही चोरी हुआ था। लेकिन प्रोफेसर हंसता है और कहता है इसे मुझे तो अंदर दिख रहा है मास्क, और फिर हंसते हंसते वो वहाँ से निकल जाता है और मार्था का जो ID रहता है वो भी वहाँ पे डाल देते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से प्रोफेसर रॉबर्ट इस दुनिया को बचाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल हॉलीवुड इन हिंदी और
रहस्य इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।